और इजराइल के बीच का तनाव चरम पर है। कौन किस पर कब हमला कर दे, यह कहा नहीं जा सकता। एक तरफ इजराइल 1 अक्टूबर को हुए ईरान के हमले का जवाब देने की तैयारी में है, इजराइल का बदला लेने का प्लान पूरी तरह से तैयार है, तो दूसरी तरफ ईरान इस छटपटाहट में है कि वह कब इजराइल पर मिसाइलों की बौछार कर दे। जब से इजराइल ने लेबनान में घुसकर हिजबुल्ला चीफ हसन नसरुल्लाह को मारा है, इजराइल से बदला लेने के लिए ईरान की बेताबी बढ़ गई है। हालांकि ईरान ने 200 बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ 1 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया। ईरान समर्थित हिजबुल्ला भी इजराइल में ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग रहा है। हिजबुल्ला ने ड्रोन हमले में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर को निशाना बनाया, जिसके बाद इजराइल बौखलाया हुआ है और उसने ईरान को अंजाम भुगतने की धमकी दी है। इजराइल ने उसे प्रधानमंत्री नेतन्याहू की हत्या का प्रयास बताया है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि ड्रोन ने प्रधानमंत्री के घर पर हमला किया। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बाद में एक बयान में हमले में घर को निशाना बनाए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए सीधे ईरान को जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने कहा, ईरान के जिन एजेंटों ने आज मेरी और मेरी पत्नी की हत्या करने की कोशिश की, उन्होंने भारी गलती की है। जो कोई भी इसराइल के नागरिकों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसे में ईरान घबराया हुआ है। वह जानता है कि किसी भी वक्त इसराइल की तरफ से ईरान पर आसमान से बमों और मिसाइलों की बारिश हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी हाल ही में इस बात की पुष्टि करते हुए कहा था कि उन्हें पता है कि 1 अक्टूबर को ईरान के मिसाइल हमले का इजराइल कैसे और कब जवाब देगा। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि इजराइल के संभावित हमले की आशंका को देखते हुए ईरान ने भी अपने बचाव और प्रतिवार की पूरी तैयारी कर ली है। भले ही इजराइल का एंटी मिसाइल सिस्टम दुनिया भर में मशहूर है, मगर ईरान के पास भी ऐसे एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जो किसी भी वार को नाकाम कर सकते हैं। इजराइल का आयरन डोम दुनिया का सबसे शानदार एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है, मगर ईरान और हिजबुल्ला जिस तरह से उस पर मिसाइलों से हमले कर रहे हैं, उसकी पोल भी खुलती नजर आ रही है। कई बार तो ईरान और हिजबुल्ला के मिसाइलों को रोकने में आयरन डोम चूक भी गया। आयरन डोम के अलावा इजराइल के पास एयर डिफेंस सिस्टम डेविड स्लिंग भी है। इन दोनों की चर्चा अक्सर खूब होती रहती है। इजराइल के पास सबसे बड़ा सुरक्षा कवच आयरन डोम को ही माना जाता है। इसराइल ने आयरन डोम के जरिए ही ईरान की मिसाइलों और ड्रोनों को हवा में मार गिराया। इसलिए आयरन डोम को दुश्मनों के खिलाफ इसराइल का सबसे भरोसेमंद साथी माना जाता है। दुश्मन देश से इसराइल की तरफ आ रहे 90% रॉकेट, मिसाइल, ड्रोन जैसे हथियार को यह धरती पर पहुंचने से पहले ही हवा में खत्म कर देता है। लेकिन ईरान ने भी अपनी सुरक्षा व्यवस्था कम पुख्ता नहीं कर रखी है। ईरान के पास एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम अरमान है। यह मिसाइल सिस्टम 180 किलोमीटर की रेंज में मिसाइल और ड्रोन का पता लगा सकता है, साथ ही दुश्मन की ओर से आने वाली मिसाइलों को ध्वस्त भी कर सकता है। यह लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। इसका खुलासा कई सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ है। अगर इसराइल ईरान पर हमला करता है तो ईरान का अरमान उसके मिसाइलों का मुकाबला कर सकता है। ईरान का यह बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम ऑपरेशन को पूरी तरह से तैयार बताया जा रहा है। दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर इसराइल उस पर जवाबी हमला करता है तो वो पूरी जिम्मेदारी लेगा। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत आमिर सईद इरावनी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्विस अध्यक्षता को संबोधित करते हुए एक पत्र में यह बात कही है। पत्र में ईरान की तरफ से इरावनी ने बाइडेन के बयान की कड़ी आलोचना करते हुए उनकी टिप्पणी को बेहद चिंताजनक बताया है। इरावानी ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के शब्दों में ईरान के खिलाफ इजराइल के गैर कानूनी फौजी हमले के लिए मौन स्वीकृति और स्पष्टता दिखाई दे रही है और ईरान के खिलाफ इजराइल की तरफ से किसी भी आक्रामक हरकत को भड़काने उकसाने में अपनी भूमिका के लिए अमेरिका पूरी जिम्मेदारी लेगा। दूसरी तरफ ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए इसराइल की योजनाओं के बारे में अत्यधिक गोपनीय अमेरिकी खुफिया जानकारी लीक हो गई है, जिससे अमेरिका और इसराइल में हड़कंप मचा हुआ है।